पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए मुनव्वर राणा खुलकर योगी सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कई बातें कही। मुनव्वर राणा की गिनती वैसे तो बड़े शायरों में होती है, लेकिन राणा की बातों में राजनीति अब साफ झलकती है। वो लगातार अपने बयानों में मोदी योगी सरकार को घेरते हैं। हाल ही में मुनव्वर राणा ने यहां तक बयान दे दिया कि यूपी में अगर योगी सरकार दोबारा बनी तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। लेकिन गोंडा पहुंचे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सम्मान अफरोज ने मुनव्वर राणा को करारा जवाब देते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया। सम्मान अफरोज सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर समीक्षा बैठक करने गोंडा पहुंचे थे। अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुनव्वर राणा के बयान और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विपक्ष के रवैये की आलोचना की। मुनव्वर राणा पर तंज कसते हुए अफरोज ने कहा कि मुनव्वर राणा अपने पर्सनल इश्यू को मुस्लिम समाज से जोड़ते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत होकर इतनी छोटी सोच रखते हैं। वो कोई मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ना ही मुस्लिम समाज उनकी बात मानेगा। मुनव्वर राणा साहब इतने बड़े शख्सियत हैं और इतना नाम कमाया है और इस तरह के विचार रखते हैं, मैं कौन होता हूँ उनको समझाने वाला। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये बहुत ही छोटी सोच की उनकी छोटी सोच है अगर वो इस तरह की बात करते हैं और अपने समाज का ही नाम वो इसमें पीछे ले जा रहे हैं, और ये शोभा नहीं देता बिल्कुल भी। उनको ये चीज़ें, कुछ भी उनकी पर्सनल कोई भी इशू हो उसको वो समाज से जोड़े, वो कोई मुस्लिम समाज के रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है कि वो जो बोलेंगे वो मुस्लिम समाज मानेगा। ठीक है, उन्होंने अपना नाम कमाया अपने पर, वो ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम समाज कहता है या मुसलमान की कोई वो करता रहता नहीं है। ठीक है, उनकी राय है, उनकी सोच है, सबकी सोच होती है, हिंदुस्तान है। छोटी सोच से आपका तात्पर्य? बिल्कुल बिल्कुल, छोटी सोच से तात्पर्य यही है कि इतने बड़े आदमी अगर इस तरह की बात करेंगे तो छोटी सोच ही बोलेंगे उसको, और मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह की बात वो कहें तो अच्छा होगा। और ये समाज की कोई वो मुखिया नहीं है और ना समाज के कोई रिप्रेजेंटेटिव है, सबकी सोच है, वो अपनी सोच के। अफरोज ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी अपनी राय रखी और विपक्ष पर लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून पर दिए जा रहे बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले ही आ जाना चाहिए था। ये वोट के लिए राजनीति नहीं है, ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये कानून हिंदुओं के लिए भी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून सभी जाति धर्मों के लिए है। देखिए, जनसंख्या कानून बिल बहुत बिल्कुल पहले आ जाना चाहिए। आज हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, अगर हम यहाँ पे 200 लोग बैठेंगे तो आप बैठ पाएंगे? एक पृथ्वी है, ये हमारी धरती माँ है, इसकी भी एक कैपेसिटी होती, 1000 करोड़ इसकी कैपेसिटी है इस पृथ्वी की। अगर हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो आने वाले समय में ये जो बोलते हैं हम कि सर्वनाश हो जाएगा इस पृथ्वी का, तो वो पहले ही हो जाएगा। आज नहीं तो कल, आज ही उसको हम डिसीजन लें तो क्या बुरा है? और मुझे बताइए, इसमें हम कोई वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं कि ये वोट की राजनीति नहीं, ये तो मतलब सबके लिए कानून है ना, ये कोई हिंदू और मुसलमान और इसके सबके लिए, हर धर्म हर जाति के लिए ये कानून है और ये बिल्कुल लागू होना चाहिए और ये बहुत अच्छा है, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी बहुत अच्छी निकलेगी। देखिए, 2 बच्चे होना, उनकी एजुकेशन प्रॉपर होगी, हर चीज़ देखिए हो गई प्रैक्टिकल, आप लोग भी समझते हैं ये चीज़ें और ये चीज़ होनी चाहिए।